अभी बना लो, अंदर नहीं चढ़ना। सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर के पूरे अवाम को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज जो यह माहौल है इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अवाम का है। अवाम चाहता है कि अमन हो, अवाम चाहता है कि चैन हो, अवाम चाहता है कि हड़ताल ना हो, अवाम चाहता है कि संगबाजी ना हो। ये सारा का सारा सिलसिला जो है सिक्योरिटी फोर्सेस सरकार जो कुछ भी किया जा रहा है, लेकिन अवाम का जब तक साथ में कोऑपरेशन ना हो ये चीज़ें करनी मुश्किल होती हैं। तो अवाम को तो बहुत मुबारकबाद, और ये नया कश्मीर है, बदलता हुआ कश्मीर है। लोग इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन पीस। अब जो नए बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल में हड़ताल नहीं देख रहे, जो पत्थरबाजी नहीं देख रहे, तो ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सॉफ्टी खा रहे हैं, डल लेक पे घूम रहे हैं, बंट के ऊपर घूम रहे हैं, ये वही सब कुछ देख रहे हैं जो कि पूरी दुनिया में बच्चे मुल्क में और बाहर के मुल्कों में रोज़ देखते हैं। और यही चीज़ जो है, यही हमारा फ्यूचर है, यही हमारा मुस्तकबिल है। यही बच्चे जब बड़े होंगे उनके जहन में कभी भी ऐसी कोई बात नहीं होगी जो कि पहले के जनरेशन्स ने देखी है। देखिए, जो ये फिरका परस लोग हैं, दहशत पसंदी हैं या प्रो पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं, इनको बहुत ही एक ठोस जवाब दिया गया है। इन लोगों को बता दिया गया है कि इस मुल्क में इनके लिए कोई जगह नहीं, और अगर यहाँ कभी उस तरह के परचम फहराए जाते थे, वैसे झंडे लगते थे, तो उसका मतलब नहीं था कि जम्मू कश्मीर के लोग लगा रहे थे। वो चंद लोग थे जो पाकिस्तान के हाथों में खेल रहे थे, कुछ बेवकूफ़ी से और बहुत सारे जानबूझ के। जैसा कि आप सबको मालूम ही है जो आज हालात हैं, पत्थरबाजी एक बहुत पुराना सपना रह गई है बहुत सारे लोगों के लिए। ऐसे बहुत सारे लोगों के जहन में याद ही नहीं होगा उनको कि कभी पत्थरबाजी होती भी थी कि नहीं, या वो बुरा सपना उन्होंने देखा भी था कि नहीं। पत्थरबाजी ख़त्म हो चुकी है। दहशत पसंदी जो है वो लास्ट स्टेजेस पे है। ये जैश, लश्कर, सो कॉल्ड पैफ, TRF, ये जितनी तंजीमें हैं पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड, पाकिस्तान ऑपरेटेड, ये सब उधार की सांसें ले रहे हैं, और इन सब का ज़ाया होना निश्चित है। लाजमी ये ज़ाया होंगे, ख़त्म होंगे, और इन सब को जैसे जैसे हम ख़त्म करेंगे यहाँ उतना पीस जो है बरकरार किया जाएगा, कायम किया जाएगा।